Hello everyone, today we will solve from question number 5 of exercise 1D class 7 new enjoying mathematics. इससे पहले 1A, 1B, 1C और 1D के question number 1 से 4 तक हो चुके हैं, उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा. इससे पहले आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 आपका है, एवरी फ्लोर ऑफ ए 104 स्टोरी स्काई क्रैपर, 104 स्टोरी है इसमें, है ना, इज 4 मीटर हाइट. हर फ्लोर की हाइट दे रखी है 4 मीटर. क्लियर. इफ अ बैलून राइज 3 मीटर एवरी सेकेंड, एक मीटर कितने होता है पर सेकेंड, एवरी सेकेंड मतलब एक सेकेंड में ना, एक सेकेंड में 3 मीटर ऊपर चढ़ जाता है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू राइज फ्रॉम द 36th फ्लोर टू 96th फ्लोर. 36th फ्लोर से लेकर 96th फ्लोर तक पहुंचने में उसे कुल कितना समय लगेगा, ये हमें फाइंड करना है. कैसे होगा बताते हैं आपको. तो अब जो बैलून है 36th फ्लोर से 96th फ्लोर तक जाना है, तो बैलून को कितनी फ्लोर कवर करनी है, है ना, तो फ्लोर कवर बाई बैलून पहले आप ऐसे ही लिख लीजिए, समझ आया, 36 से 96 तक इसको बैलून को जाना है तो कितनी कवर करी, फ्लोर्स कवर बाई बैलून था, बैलून था एवरी फ्लोर ऑफ ए, अपने से बोलते था बैलून ही है, फ्लोर कवर बाई बैलून 96 पर जाना है, 36 से चढ़ा है तो कह रहे 96 में से 36 सबट्रैक्ट कर दें तो कितनी फ्लोर कवर करेगा, 60 फ्लोर्स. तो ये पता चल गई हमें, बैलून ने कुल 60 फ्लोर्स कवर तय करी. अब डिस्टेंस कितनी कवर करी, एक फ्लोर की हाइट दे रखी है 4 मीटर, 60 फ्लोर कर रहा है तो कितनी होगी, 4 से मल्टीपल कर रहे हैं ना, डिस्टेंस कवर बाई डिस्टेंस कवर बाई वैलून, ये बात समझ आई, क्योंकि हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ वन फ्लोर लिखना चाहो ले सकते हो, हाइट ऑफ वन फ्लोर इज 4 मीटर, तो 60 फ्लोर कवर करा, एक फ्लोर को कवर करने में 4 मीटर चलेगा, तो 60 को कवर करने में कितना चलेगा, 16 × 4, तो ये हो गया 240 मीटर. अब टाइम पूछा है कि बैलून ने 60 फ्लोर या कहें 240 मीटर डिस्टेंस तय करी तो कितने समय में करी, ये पूछता, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू राइज फ्रॉम 36 फ्लोर टू 96 फ्लोर, 36 से 96 फ्लोर तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा. उसके लिए स्पीड दे रखी है, क्या दे रखी थी, वो हमें ये दे रखा था कि इफ अ बैलून राइज 3 मीटर एवरी सेकेंड, बैलून राइज उठता है ऊपर, बैलून राइज 3 मीटर एवरी सेकेंड या पर सेकेंड, एक ही चीज होती है या ऑब्लिक करके ले सकते हो, उसका मतलब पर ही होता है ना, पर सेकेंड, इसका मतलब समझ में आ रहा है, सेकेंड को शॉर्ट में ऐसे ले सकते हैं ना, कि एक सेकेंड में 3 मीटर राइज हो रहा है बैलून, तो 240 मीटर क्या होगा, 3 से अप कर दिए इसमें डिवाइड, आंसर आ जाएगा. ओके, तो ये बता टाइम टेकिंग, पूरी लैंग्वेज लिख दे रहा हूं, टाइम टेकिंग वाई बैलून, बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है लैंग्वेज लिखने में, इसमें लिख दे रहा हूं, टाइम टेकिंग वाई बैलून टू रेज, आइए है ना, छोटा छोटा लिखता हूं मैं, थोड़ी छोटा लिखने की आदत है, फ्रॉम 36 फ्लोर टू, मैं लिख दे रहा हूं 96 फ्लोर, एल लिखना भूल गया, तो क्या होगा, 240 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है और एक मीटर में, सॉरी उल्टा बोल गया, एक सेकंड में 3 मीटर, या उल्टा बोले 3 मीटर कवर करने में लगते हैं एक सेकंड, सो एक सेकंड, तो एक मीटर कवर में क्या होगा, 1/3, और 240 में क्या होगा, 240/3, तो 3 से कैंसिल हो गया, 3 8 0, तो ये आंसर आ गया आपका 80 सेकंड. ये तो जानते हैं आप, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, तो उसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, 1 मिनट, और कितने बचे, 60 हटा दो 20 बचा, 20 सेकंड. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, और मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा. चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6 है, अ ड्राइवर वाज कलेक्टिंग वाटर सैंपल, ड्राइवर का ना, ड्राइवर, सॉरी वो ड्राइवर का वाटर से कहता है, ड्राइवर है ना, ड्राइव जो करते हैं, गोताखोर जिसे बोले, है ना, अ ड्राइवर, मैं ड्राइवर पढ़ लिया था, सॉरी, अ ड्राइवर वाज कलेक्टिंग वाटर सैंपल
फ्रॉम अ लेक, इसी लेक से पानी का सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं वो। ही कलेक्टेड अ सैंपल एट एवरी 3 मिनट, तो हर 3 मिनट में एक वाटर का सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग एट 5 मीटर बिलो द वाटर सरफेस, स्टार्टिंग कहां से करते हैं, वाटर सरफेस पानी की सतह से 3 मीटर नीचे, सॉरी 5 मीटर नीचे से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो द फाइनल सैंपल वाज कलेक्टेड एट अ डेप्थ ऑफ 35 मीटर, और फाइनल जो उठाते हैं वो सतह से 35 मीटर नीचे से उठाते हैं। तो हाउ मैनी, उठाने से तो कलेक्ट करते हैं ना, तो हाउ मैनी सैंपल डिड ही कलेक्टेड, तो ये निकाल लो कुल कितनी गहराई पहुंची। ये कह रहा है स्टार्ट करी थी 5 मीटर ट्रे, पहुंच गया 35 मीटर तक, तो 35 में से 5 गया कितना 30 मीटर गहराई तक गए, तो कितने सैंपल हो जाएंगे, एवरी 3 मीटर में एक सैंपल कलेक्ट करते हैं, 3 मीटर की गहराई पर एक सैंपल, 30 है तो 30 में 3 से डिवाइड करते हैं 10, तो आंसर हो जाएगा इसका 10 सैंपल। कैसे करेंगे दोबारा से बताते हैं पेपर पर, चलिए। तो बात समझ में आ गई, मैं यहाँ आपको फिगर विगर बनाना नहीं है, मैं तो ऐसे समझाने की तैयार रहा हूँ। ये वाटर लेवल है, इससे कितने मीटर नीचे से करा था 5 मीटर ब्लो, यहाँ से 5 मीटर ब्लो से स्टार्ट करा, तो ये एक तो यहाँ से ले लिया सैंपल, अरे 10+1 ये भी तो होगा, सॉरी 11 आएगा, एक ये भी तो हो गया, ये तो भूल गया, इनसे स्टार्ट कर रहा था ना। दोबारा पढ़ता हूँ, आर डाइवर वाज कलेक्टिंग वाटर सैंपल फ्रॉम ए लेक, ही कलेक्टेड ए सैंपल एट एवरी 3 मीटर स्टार्टिंग एट 5, हाँ यहाँ से करा, एक सैंपल तो यहाँ से ले लिया, फिर 3 मीटर बाद एक को ले लिया, फिर 3 मीटर बाद एक और ले लिया, फिर 3 मीटर बाद एक और ले लिया, और ऐसे कितनी डेप्थ तक पहुंचा था, ये हमने बताया था 35 मीटर तक, 5 तो निकल गए 30 तक आएगा, तो ऐसे 10 सैंपल और जाएंगे, है ना, हर 3 मीटर के बाद 1, 2, 3, 4, समझ में आ गई बात, और एक ही तो 11 होगा। करेंगे कैसे, तो यहाँ तो सतह पर हो गया, इसको छोड़ो, उसके बाद जब नीचे जाना शुरू कर गया स्टार्टिंग का, तो एक तो ये हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर उसने कितने डेप्थ तक गया वो निकालते हैं। तो डाइवर वाज कलेक्टिंग वाटर सैंपल फ्रॉम अ लेक, ही कलेक्टेड अ सैंपल एट एवरी 3 मीटर स्टार्टिंग एट 5 मीटर बिलो द वाटर सरफेस, द फाइनल सैंपल वाज कलेक्टेड एट अ डेप्थ 30 मीटर, हाउ मेनी सैंपल डिड ही कलेक्ट। तो ये लिखो पहले, डाइवर कवर द डिस्टेंस, बल्कि ये थोड़ा लैंग्वेज सही नहीं हुई, डिस्टेंस कवर बाई डाइवर, काट देता हूं अभी तो एक ही लाइन, ऐसे लिखो कितनी डिस्टेंस कवर करी, डिस्टेंस फाइव मीटर से स्टार्ट करा 35 मीटर तक गया, तो कितनी होगी, ये 5 कम कर दें 30 रह गई, या 35 माइनस 5, मैथ के हिसाब से चलेंगे तो 35 माइनस 5 लिखेंगे, तो कितना हो गया 30 मीटर डेप्थ तक वो गया। एक सैंपल तो यहाँ स्टार्ट कर दिया, स्टार्टिंग यहाँ से करी थी, अब बाकी कितने और कर रहा है 30 मिनट हर क्या, चलो तो क्या करेंगे, टोटल सैंपल कलेक्टेड बाई जो गोताखोर है, हर 3 मीटर में एक सैंपल कर रहा है, और 1+ वो कर दें, 1+ क्यों बता, समझ में आ गया, बताऊंगा अभी, यही यहां से तो इसने कलेक्ट करा, यहीं से स्टार्ट करा, तो एक तो ये हो गया, अभी हर 3-3 मीटर बाद, तो वो कितना करेगा टोटल, यहां से लेके यहां तक 30 मीटर गया है, हर 3 मीटर बाद 1 सैंपल, और 1 कहां, यहां से स्टार्ट कर चुका, तो 1 तो ये, और 3 / 10 में कर दो, सॉरी 30 मीटर में, तो कितना गया 10, और 10+1 कितने हुए 11, तो आंसर हो गया 11 सैंपल। ध्यान रखना क्योंकि स्टार्टिंग इसने यहां से कर दी है, ये नहीं कि हर यहां से स्टार्ट, क्योंकि मैं समझा यहां से गोताखोरी करी, गोताखोरी तो वहां से ही, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है बुक में, है ना, कि मैं दोबारा पढ़ देता हूं, ही कलेक्टेड अ सैंपल एट एवरी 3 मीटर स्टार्टिंग एट 5 मीटर बिलो द वाटर सरफेस, स्टार्टिंग यहां से शुरू कर दी, यानी कि एक सैंपल तो यहां से ले 3 मीटर से लेना था इसने, लेकिन इसने 3 के बजाय 5 मीटर से स्टार्ट कर दिया, अब उसके बाद 35 मीटर तक गया, तो 10 सैंपल और मिल गए 10+1, इसलिए 1+10 मैंने ऐसे लिखा 1+, और कितने और 11, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन 6, दिखाई दे रहा होगा, इस फिगर की कोई नीड नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया था। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रंजन वेंट टू प्ले विथ 60 मार्बल्स, कंचे जिसे बोलते हैं ना, 60 मार्बल्स थे, 60 मार्बल्स लेके खेलने रंजन खेलने गया। इन 8 गेम्स ही गेन, 8 गेम्स में उसे फायदा हुआ, फाइंड करे, -5 मार्बल्स ईच, एंड इन 4 गेम्स ही गेन 4 मार्बल्स ईच।
एट गेम्स में उसे माइनस फाइव मार्बल गेंस लिख दिया है, गेंस मतलब, लेकिन माइनस आ रहा है, चले गए, हार गया होगा वो। एंड फोर गेम्स ही गेन फोर मार्बल ईच, हाउ मेनी मार्बल्स डिड रंजन हैव एट द एंड, लास्ट में रंजन के बाद कितने मार्बल्स है, कैसे करेंगे? देखो टोटल मार्बल 60 के चलेंगे, अब जो मिलते हैं उसे प्लस करते हैं, प्लस एट गेम में माइनस फाइव, इन एट गेम ही गेन माइनस फाइव मार्बल्स ईच है, तो एट का मल्टीपल करेंगे माइनस फाइव, माइनस से मतलब समझे हार गया है ना, तो वो क्या हुआ, हारा होगा शुरू के आठ गेम, एक गेम हारने पर उसे चार पांच मार्बल्स, पांच जो कंचे दूसरे को देने होंगे जिसके साथ खेला होगा, तो 60 प्लस 8 इंटू माइनस फाइव, जब माइनस का साइन लगेगा प्लस लगेगा सब, है ना, तो टोटल मार्बल्स कितने जाएंगे 60 प्लस 8 इंटू माइनस फाइव, फिर प्लस फोर गेम्स खेला और कितने हो रहा है, गेन फोर मार्बल ईच, और इसको फोर मार्बल्स मिल रहे हैं, तो प्लस 4 इंटू 4 सॉल्व कर जो भी आ जाएगा आंसर आ जाएगा, तो एक छोटी सी लैंग्वेज लिखते हैं और ये आंसर हो जाएगा इसका, बताते हैं क्या लिखेंगे, तो कस इसमें पूछा था एट द एंड, तो यही लैंग्वेज आप यहां से ले लो, छोटी सी लिखनी है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना, एट द एंड रंजन है, क्या करोगे, कितने मार्बल्स थे उसके पास, 80 मार्बल्स थे, प्लस शुरू के 8 गेम में माइनस 5 मार्बल्स ईच गेम मिल रहे हैं, गेंड हो रहा है यानी कि हार रहा है वो, तो 8 का मल्टीपल माइनस 5 में कर दें, एक गेम में माइनस 5 मार्बल्स गेंड कर रहा है, गेम का मतलब लाभ होता है मिल रहा है, लेकिन यहां समझिए ना माइनस का मतलब समझिए दे रहा है किसी को, तो इंटू 8 क्यों करो, एक गेम के माइनस 5 में, तो 8 गेम खेला, फिर 4 गेम्स खेला, और उस 4 गेम्स में ईच गेम्स में से 4 मार्बल्स गेंड हो रहे हैं, तो बस सॉल्व कर लो आंसर आ गया 80 प्लस माइनस माइनस होता है 8 5 जा 40 4 प्लस 4 16 तो ये कितना हो गया 80 प्लस 16 96 माइनस 40 कितना आ गया 56 आ गया, तो 56 मार्बल्स ये आंसर हो गया, बस हमें छोटी सी लैंग्वेज लिखनी थी, ज्यादा कुछ हमने करा नहीं, आपने देखा समझ में आ गया हो है ना, स्टार्टिंग में जितने मार्बल्स थे उतने 80, 8 गेम में माइनस 5 मार्बल्स मिले यानी कि प्लस 8 इंटू माइनस 5, और लास्ट के 4 गेम्स में 4 मार्बल्स प्लस 4 इंटू 4 सॉल्व करा 56 मार्बल्स, तो एट द एंड रंजन है 56, 80 लेके चला था 56 कुल मिलाकर उसको लॉस हो गया भाई, 34 मार्बल्स गए ना, 34 गए नहीं सॉरी 24 मार्बल्स का लॉस हो गया, क्लियर बात समझ में आ गई है ना, चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है मैंने है ना, अभी मैं आंसर चेक कर रहा था तो ये 60 मार्बल्स हैं भैया, 80 नहीं है ना, तो यहाँ आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, 60 मार्बल्स हैं तो 60 रखना है और कुछ नहीं है, बाकी होना तो ऐसी है, तो ये 60 तो ये थोड़ा सा काट दो 76 होगा, कैसी मिस्टेक कर दी है मैंने, बात समझ में आ गई ना, ये 60 था मैंने 80 लिख दिया गलती से, अभी मैंने देखा रंजन वेंट टू प्ले विथ 60 मार्बल, तो 60 लिखेंगे यहाँ, बाकी वही 60 प्लस 16 76 माइनस 40 तो आंसर इज 36 मार्बल्स, तो एट द लास्ट रंजन हैव ओनली 36 मार्बल्स, चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 ये है, अ सबमरीन मूव फ्रॉम द वाटर सरफेस एट द स्पीड ऑफ माइनस 20 मीटर पर मिनट, ओके हाउ फार इज द सबमरीन फ्रॉम द वाटर सरफेस एट द एंड ऑफ 7 मिनट, कंसिडर द वाटर सरफेस लेवल इज 0, ओके स्वीडिश से वो तो कोई जरूरत नहीं है, बस यहां पर पढ़ना हमें, तो हाउ फार इज सबमरीन फ्रॉम द वाटर सरफेस एट द एंड ऑफ 7 मिनट, 7 मिनट के बाद वाटर सरफेस से कितनी दूर होगी सबमरीन, वो हमें बताना है, देखो सिंपल सा था, 1 मिनट में माइनस 20 तो 7 मिनट में कितना होगा, 7 इंटू माइनस 20 कर दो तो 27 जब 140 तो आंसर हो जाएगा माइनस 140 मीटर, बस ये इसका आंसर हो जाएगा सही सीधा, अब यहाँ आपके दिमाग में ये आ सकता है सर ये सब माइनस का क्या मतलब है, सब मरीन मूव फ्रॉम द वाटर सरफेस एट द स्पीड ऑफ माइनस 20 मीटर पर मिनट, माइनस का मतलब स्पीड कम हो रही है, ये आता दिमाग में, तो देखो इंटीजर से है ना, वाटर लेवल से ऊपर जब हम चलते हैं तो हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, वाटर लेवल के नीचे जाते हैं तो माइनस साइन लेते हैं, माइनस प्लस केवल ये दिखाएगा, अगर वाटर लेवल की बात है प्लस है तो वाटर से ऊपर होगा, माइनस में है तो वाटर लेवल के नीचे, जैसे माइनस 140 का मतलब वाटर लेवल, तो माइनस तो कुछ होता नहीं वैसे, बस क्या है डायरेक्शन को शो करने के लिए, तो वाटर लेवल के नीचे होगी 140 मीटर, ठीक है ना, तो माइनस का शो कर रहा है वाटर लेवल के नीचे, अगर प्लेन का यदि सवाल होता तो प्लेन में माइनस का प्लस होता, वाटर लेवल से ऊपर है, बात क्लियर, इसी तरह हम इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव शो करें और माइनस में आंसर आ जाएगा तो ईस्ट का पॉजिट क्या होता है बेस्ट, यानी कि वो आदमी बेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना, क्लियर, तो बस यही है और कुछ नहीं, तो स्पीड ऑफ
submarine. A submarine move from the water surface at the speed 100. The speed of submarine minus 20 meter minus ili de rahu minus 20 meter पर जब माइनस लिख दिया तो यहां क्लियर हो गया कि नीचे जा रही है सबमरीन, नीचे जाती है, हवा में तो उड़ेगी नहीं है ना, सबमरीन तो जानते हो सबमरीन वाटर लेवल के नीचे ही होती है। अब ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, कितने पूछा है, 7 मिनट में। तो डिस्टेंस, हाँ यहां पर आप प्लस 20 शो कर सकते हो, जब प्लस 20 शो करोगे तो आंसर आएगा 140। तो पूरी लैंग्वेज टिंकने पड़ेगी, सबमरीन कहाँ होगी, वाटर लेवल के बिलो होगी, लेकिन जब माइनस का साइन लेके चले तो बिलो लिखने की कोई नीड नहीं है, माइनस का मतलब ही वाटर लेवल के नीचे है ना। तो डिस्टेंस कवर बाई सबमरीन इन 7 मिनट्स, मिनट्स को शॉर्ट्स में एम आई एन लिख देते हैं ना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है। 1 मिनट में माइनस 20, तो 7 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर हुई, 7 × −20 −140 मीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। अब माइनस का मतलब वाटर लेवल के नीचे 140 मीटर, तो वाटर लेवल के 140 मीटर वो हो गई। ये तो पूछा था इसमें कि हाउ फार इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वाटर सरफेस एट द एंड ऑफ 7 मिनट। तो सबमरीन विल बी माइनस 140 मीटर फ्रॉम वाटर सरफेस। अब यह मैंने बिलो लो नहीं लिखा क्योंकि माइनस ऑलरेडी हम लेके चले, अगर माइनस नहीं लेके चलते 140 मीटर, अब सबमरीन ने तो नीचे होगी ना बस में, तो माइनस का मतलब ही होता है वाटर लेवल के नीचे। क्लियर, तो ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 1D और चैप्टर 1B कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो है आपका, हम बनाएंगे चैप्टर 2 फ्रैक्शन पर। इंट्रोडक्शन की वीडियो आप देख सकते हैं, है ना। देखो RS अग्रवाल की बुक पड़ी हुई है पूरा सॉल्यूशन, तो क्लास 7th के RS अग्रवाल या क्लास 8th के RS अग्रवाल में फ्रैक्शन प्ले लिस्ट में, फ्रैक्शन दोनों में है ना, उसकी इंट्रोडक्शन मैं 5th क्लास की वीडियो बनाता हूँ, 6th की बनाता हूँ, 6th में फ्रैक्शन होता है, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगी। जब तक क्योंकि मैं फ्रैक्शन की वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा जब फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज बनाऊंगा ना। लेकिन अगर आपने ये कर लिया आपको फ्रैक्शन पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट में देखें क्लास 7th RS अग्रवाल मैथ करके, क्लास 8th RS अग्रवाल मैथ, वहाँ देखना फ्रैक्शन मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्शन। जब तक आप वो वीडियो देखो, जब तक मैं नेक्स्ट, जब तक वीडियो आती है फ्रैक्शन की, जब तक आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, तो मिलते हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें और हमें भी कुछ फायदा हो, हमारी भी सुनेंगे ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।